दोस्तों भारत की सबसे पॉपुलर पैकेज वाटर कंपनी बिस्लेरी बिकने जा रही है। 7,000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी को टाटा ग्रुप खरीदने वाली है। इस कंपनी को खरीदने के मामले में नेस्ले और रिलायंस जैसे कंपनी भी थी, लेकिन बिस्लेरी के मालिक रमेश चौहान ने अपनी कंपनी टाटा के हाथों में देने का फैसला किया है। इस कंपनी को साल 1979 में उन्होंने 4 लाख रुपये में खरीदा था। उसे बेचने का फैसला आसान नहीं था। एक मीडिया कंपनी को इंटरव्यू के दौरान रमेश चौहान ने बताया कि मैं टाटा ग्रुप को बिस्लेरी बेचने का फैसला क्यों किया। साथ ही रमेश चौहान इस दौरान इमोशन भी हो गए। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी को मैंने बच्चे की तरह पाला उसे मरने नहीं दे सकता। बिस्लेरी को खरीदने के लिए रिलायंस और नेस्ले जैसी कंपनी रेस में थी, लेकिन बिस्लेरी ने इसे टाटा को देने का फैसला किया। इस फैसले के पीछे की जो राज उन्होंने बताई वो बेहद भावुक कर देने वाली है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन उनके पास कोई बेटे नहीं है जो उनके इस कंपनी को आगे ले जा सके। उनकी बेटी जयंती इस कारोबार में खास दिलचस्पी नहीं रखती है। रमेश चौहान ने कहा कि वो इस कंपनी को मरने नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बेचने का फैसला लेना पड़ा। टाटा के हाथों अपनी सपने के बारे में उन्होंने बताया कि वो टाटा को जानते हैं, उनकी काम और ईमानदारी से वो परिचित है। उन्होंने कहा कि मुझे टाटा कल्चर पसंद है। उन्हें भरोसा है कि देश की पुरानी कंपनी में से टाटा उनके इस कंपनी को संभाल कर रखेगी। 82 उम्र के चौहान ने कहा कि मेरी कंपनी को खरीदने के लिए कई बड़ी कंपनी आक्रामक रूप से तैयार थी, लेकिन टाटा के भरोसे के कारण कंपनी उन्हें देने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि इस डील को लेकर पिछले 2 सालों में कई बार टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और टाटा कंज्यूमर के CEO सुनील से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्हें भरोसा हो गया कि ये लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनकी कंपनी का अच्छे से बल्कि उनसे बेहतर तरीके से ख्याल रखेंगी। रमेश चौहान अपने कारोबार के बिकने से बेहद भावुक है। उन्होंने कहा कि मैंने यह फैसला पैसों के लिए नहीं किया है, मैं कंपनी के फ्यूचर को लेकर चिंतित था। कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं है जो इसका ख्याल उस तरह से रखे जैसे मैंने रखा है। मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस कंपनी को खड़ा करने में। जब मेरी बेटी की दिलचस्पी इस कारोबार को लेकर नहीं दिखी तो मुझे यह फैसला लेना पड़ा। मुझे पैसे नहीं बल्कि वैसे ही जुनून लोगों की तलाश थी जो मेरी इस कंपनी को आगे ले जा सके। बिस्लेरी का इतिहास भारत में करीब 5 दशक पुराना है। भारत में बिस्लेरी को पॉपुलर और बोतल बंद पानी बेचने का श्रेय रमेश चौहान को जाता है। उन्होंने इस कंपनी का सौदा केवल 28 साल की उम्र में किया था। अब उनके उम्र बढ़कर 82 ईयर हो चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो रमेश चौहान ने बिस्लेरी को बेचने के पीछे कई कारणों में से एक कंपनी में बेटी जयंती की कम दिलचस्पी को बताया है। उनके बेटी बिस्लेरी की वाइस चेयरपर्सन जयंती इस कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक नहीं है, जिसके चलते अब बिस्लेरी को बेचने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि बिस्लेरी के चेयरमैन और MD पद की जिम्मेदारी रमेश चौहान की कंधे पर है। उनकी पत्नी जैनब चौहान कंपनी की डायरेक्टर है। रमेश चौहान की बेटी जयंती हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद 24 साल की उम्र में बिस्लेरी ज्वाइन की। उन्होंने 2011 में मुंबई ऑफिस का कारोबार संभाला। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ पुराने प्रोडक्ट की ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में शामिल रही। अभी वो कंपनी के वाइस चेयरपर्सन है। इसके अलावा जयंती फोटोग्राफर और ट्रैवलर भी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।